नमस्कार दोस्तों, फार्मासी टेस्ट सीरीज फर्स्ट में आपका स्वागत है। द फर्स्ट क्वेश्चन, द लीगल रिक्वायरमेंट फॉर रनिंग ए होलसेल ड्रग स्टोरेज। एक होलसेल ड्रग स्टोर खोलने के लिए हमें कितनी जगह की जरूरत पड़ती है? तो हमें जरूरत पड़ती है 180 से लेकर 200 स्क्वायर फीट जगह की। नेक्स्ट सवाल, इन द राजस्थान फ्री ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम स्टार्ट फॉर्म, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत कब हुई? ये शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2011 से। द नेक्स्ट, द आर एन ए सिंथेसिस ऑन ए डी एन ए टेम्पलेट इज नोन एज। इसमें हम चारों देखते हैं ऑप्शन। द फर्स्ट इज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मीन्स क्या होता है? आर एन ए टू प्रोटीन। द नेक्स्ट ट्रांसडक्शन, इट मीन्स डी एन ए इज इंट्रोड्यूस इन टू ए सेल बाई ए वायरस। मतलब जो डी एन ए होता है वो एक सेल के अंदर इंट्रोड्यूस होता है किसके द्वारा? वायरस के द्वारा। थर्ड है इसमें रेप्लिकेशन। व्हाट इज़ द रेप्लिकेशन? रेप्लिकेशन मीन होता है DNA to DNA। एंड द फोर्थ इज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन मीन्स होता है DNA to RNA। तो द राइट आंसर इज ट्रांसक्रिप्शन। द नेक्स्ट, डी एमिनेशन ऑफ एमिनो एसिड अकर्स ड्यूरिंग द, तो द राइट आंसर इज सी, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। द नेक्स्ट, ये जेनेटिकली डिटरमाइंड एबनॉर्मल ड्रग रिएक्शन, मतलब एक जेनेटिकली ऐसी कौन सी एबनॉर्मल ड्रग रिएक्शन कौन सी होती है, उसको अपन क्या कहते हैं? चलिए सारे ऑप्शन देखते हैं। तो फर्स्ट है टैकीफाइलेक्सिस। व्हाट इज द मींस? इट मींस डिक्रीज इन रिस्पॉन्स टू ए ड्रग आफ्टर इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। जब हम कोई ड्रग देते हैं तो उसका जो रिस्पॉन्स है धीरे धीरे बाद में डिक्रीज होता है, इट कॉल टैकीफाइलेक्सिस। सेकेंड, आइडियोसिनक्रेसी। आइडियोसिनक्रेसी मतलब क्या होता है? कि स्ट्रेंज और अनयूजुअल हैबिट, मतलब अजीब प्रकार की हरकत करना, या फिर अनोखापन, या फिर ओड इन नेचर। देखिए डायग्राम में क्या है, अपन इसको बोलते हैं अब्बास मस्तान, जिन्होंने रेस 3 वगैरह जो फिल्में प्रोड्यूस की हैं, ये हमेशा वाइट कपड़े पहनते हैं। दूसरा एग्जाम्पल अपन धोनी का ले सकते हैं। धोनी जब भी खेलते हैं, आपने नोट किया होगा, वो अपने ग्लव्स को खोलते हैं, वापस बंद करते हैं, खोलते हैं, वापस बंद करते हैं। तो ये क्या होता है कि एक माइंड में ऐसा सेट हो जाता है कि नहीं, मेरे को ऐसा करना है। थर्ड, टेरेटोजेनिसिटी। टेरेटोजेनिसिटी क्या होता है? कि एजेंट दैट कैन डिस्टर्ब द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो और फिटस। एक ऐसा एजेंट होता है जो, मतलब एम्ब्रियो या फिटस बच्चा है उसका, जो उसको डिस्टर्ब कर देता है, उसकी जो ग्रोथ होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड द नेक्स्ट, एलर्जी। तो द राइट आंसर इज आइडियोसिनक्रेसी। इन ए मेल ऑर्डर बिजनेस गुड्स आर सोल्ड, इसके अंदर जो गुड्स आर सोल्ड होती हैं वो सारी की सारी केस बेसिस पे होती हैं। नेक्स्ट, विच वन इज द पैरासिम्पेथेटोलाइटिक। विच वन इज द पैरासिम्पेथेटोलाइटिक? तो पहली बात तो कि पैरासिम्पेथेटोलाइटिक होते क्या हैं? ये एक एजेंट होते हैं या सब्सटेंस होते हैं जो रिड्यूस करते हैं एक्टिविटी ऑफ पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को रिड्यूस कर देते हैं। तो द राइट आंसर इज एट्रोपिन। द नेक्स्ट, टू ड्रॉप ऑफ इज इक्वल टू, दो ड्रॉप होती हैं वो किसके इक्वल होती है? तो द राइट आंसर 0.12 ml। नेक्स्ट, मोस्टली एंटी कोलर्जेनिक ऑप्टेंड फ्रॉम। एंटी कोलर्जेनिक होती क्या चीज़ है? ब्लॉक द न्यूरो ट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन इन द सेंट्रल एंड द पेरीफेरल नर्वर सिस्टम। ये क्या करते हैं? ब्लॉक द एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलाइन, और ये सारे के सारे पाए जाते हैं सोलोनेसी फैमिली के अंदर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, टोलनाफ्टेट इज एन। ओके दोस्तों, टोलनाफ्टेट इज एन क्या चीज़ होती है? ये होती है एक एंटीफंगल। एंटीफंगल एजेंट होता है, किस में काम आता है? जैसे एथलेटिक्स फुट डिजीज होती है उसके अंदर काम में आता है। नेक्स्ट, डस्टिंग पाउडर आर जनरली पास। तो फर्स्ट थिंग, कि डस्टिंग पाउडर होता क्या है? डस्टिंग पाउडर क्या होता है? ये क्या करता है? यूज एज ए डेसिकेंट। यूज एज ए डेसिकेंट। डेसिकेंट क्या चीज़ होती है? टू कीप थिंग्स ड्राई बाई एब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम द एयर। और क्या काम में आता है ये डस्टिंग पाउडर? हेल्प प्रिवेंट स्किन इन्फेक्शन सच एज एथलेटिक फूड, मतलब अपने जो
स्किन होता है उसको इन्फेक्शन से बचाता है। तो द राइट आंसर इज 85। एचएलवी वैल्यू ऑफ डिटर्जेंट क्या होता है? अब देखिए एचएलवी वैल्यू क्या होती है, रिलेशनशिप बिटवीन हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक बिटवीन हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टू वाटर, एंड हाइड्रोफोबिक क्या होते हैं, लैक एफिनिटी फॉर द वाटर। तो इसकी डिटर्जेंट की वैल्यू कितनी होती है आप देख सकते हो यहाँ पे। तो द राइट आंसर 13-16। द नेक्स्ट, द टॉक्सिसिटी ऑफ मेथेनॉल इज ड्यू टू इट्स कन्वर्जेशन इन द बॉडी टू, ठीक है ये मेथेनॉल की स्ट्रक्चर होती है, एंड द राइट आंसर इज फॉर्मिक एसिड एंड फॉर्मल्डिहाइड। नेक्स्ट, द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन दैट विल गिव द मोस्ट रैपिड ऑनसेट ऑफ द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, मतलब दवाई देने का कौन सा ऐसा तरीका है जो बहुत बढ़िया मतलब फटाफट काम करता है। चलिए देखते हैं, अपन फर्स्ट देखते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, जिसको अपन IM भी कहते हैं। IM क्या होता है, डायरेक्टली इनटू द सेंटर ऑफ पर्टिकुलर मसल, मतलब इनसाइड ए मसल के अंदर डायरेक्ट ये पिंच करता है। सेकेंड इंट्रावीनस, इसको बोलते हैं IV, इनसाइड द वेन, IV का मतलब इनसाइड द वेन। थर्ड ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, सबस्टेंस टेकन थ्रोड द माउथ, अपन मतलब मुंह से जो चीज़ें लेते हैं दवाई वगैरह उसको कहते हैं ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। एंड द लास्ट सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, मतलब जो अंडर द स्किन के लगता है उसको कहते हैं सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। तो सबसे बढ़िया कौन सा है इसमें, इंट्रावीनस। द लास्ट क्वेश्चन, होलसेल आर पर्सन्स वो डील्स इन, देखिए दोस्तों थोक व्यापारी होता है वो लार्ज क्वांटिटी मात्रा में बिजनेस करता है, थोक व्यापारी लार्ज क्वांटिटी में बिजनेस करता है। ओके थैंक यू, कल फिर मिलेंगे आपके लिए नेक्स्ट टेस्ट सीरीज लेके। गुड बाय।